থেকে হনুমানজি কি মূর্তি। सोमनाथ महादेव मंदिर। तो दोस्तों हम लोग हैं यहाँ पे वीर हमरी जी सर्कल के पास। कल शाम को भी हमने दर्शन किए महादेव जी के, सुबह मॉर्निंग में वापस दर्शन किए, लेकिन कैमरा वीडियो कुछ भी अलाउ नहीं है तो आपको दिखा नहीं पाएंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं समुद्र किनारा पर, बीच है सोमनाथ बीच के पास, और सामने जो आप देख रहे हैं वो है लक्ष्मी नारायण मंदिर, और लेफ्ट साइड में गीता मंदिर, त्रिवेणी संगम, पांडव गुफा, वो सब हमने विजिट कर लिया है। अगर आपने देखा नहीं है तो ज़रूर देखिए, ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे राइट साइड में है सोमनाथ महादेव मंदिर, और सीधा जाएंगे तो आएगा सोमनाथ बीच। तो यहाँ से चलते हैं सीधा बीच पे, समुद्र दर्शन पथ, ओशन व्यू। बीच पे जाने के लिए भी यहाँ पे बैरिकेड किया हुआ है, यहाँ पे एंट्री फीस है शायद। आप देख सकते हैं टिकट चार्ज, साइकिलिंग चार्ज, सब चार्ज यहाँ पे लिखा हुआ है। बीच पे सुबह 6 से शाम 7 बजे तक आप जा सकते हैं, और जाने के लिए भी यहाँ पे आपको 5 रुपये की टिकट लेने रहेगी। तो टिकट हमने ले ली है, चलते हैं बीच पे। बहुत ही खूबसूरत फोटो फ्रेम, और यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हैं। बहुत ही खूबसूरत साइकिल ट्रैक बना हुआ है, उसमें स्पीकर लगे हुए हैं, आप सुन सकते हैं श्लोक। सोमनाथ समुद्र बीच पे आ गए हैं हम लोग, समुद्र किनारा सोमनाथ का। मॉर्निंग दोस्तों, सोमनाथ बीच के पास यहाँ पे आपको एंट्री के लिए 5 रुपीज पर पर्सन चार्ज कर रहे हैं, और साइकिलिंग के लिए जैसे आपने देखा आपको दिखाया, और बीच पे आपको घोड़े सवारी, ऊँट सवारी सब यहाँ पे रहेगा। बीच बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पे 5 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं बीच पे आने के लिए। यहाँ पे नहाने के लिए मना है। और ये देखिए यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत हनुमान जी की मूर्ति, स्टैचू, देखिए हनुमान जी की मूर्ति। हनुमान जी के दर्शन करें, और सामने है सोमनाथ महादेव मंदिर, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, जूम करके दिखाते हैं आपको। बाद में चलते हैं वहां पे भी, नज़दीक से देखते हैं सोमनाथ महादेव मंदिर। हेलो भाई, कितना उठना? 50 रुपया उठना। देखिए बहुत ही खूबसूरत सजा के रखे हैं ऊँट को सवारी के लिए, 50 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं यहाँ पे ऊँट सवारी। बहुत सारे विजिटर्स यहाँ पे एंजॉय करते हुए सोमनाथ बीच के पास। देखे बहुत ही खूबसूरत प्रिंसेस, क्या नाम है उठ का है? जेनी, देखो जेनी, जेनी ने पहना है कैप। जेनो आगर नहीं है बेटा, आगर नहीं। सामने घोड़े सवार है, कितना लेते हैं घोड़े सवारी का पूछते हैं।
कितना भाई घुड़सवारी का कितना? राउंड में 100 रुपया। हाँ 100 रुपया सवारी का, घोड़े सवारी का और फोटो का यहाँ पे 100 रुपीज ले रहे हैं। दोस्तों तो हम लोग सोमनाथ बीच के पास घूम रहे हैं और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल ट्रैवलर्स द नाइस ग्रुप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकॉन पे प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर दे ताकि आपको ऐसे ही खूबसूरत वीडियो मिलती रहे। बहुत ही खूबसूरत साइकिल ट्रैक बनाया हुआ है और डस्टबिन रखा है ताकि यहाँ पे गंदगी ना हो, कचरा ना हो। वहाँ से एंट्री है, ये है साइकिल ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और समुंदर किनारा सोमनाथ का। सामने है खूबसूरत सोमनाथ महादेव मंदिर जो प्रथम ज्योतिर्लिंग है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मंदिर का महात्म्य कुछ इस तरह से है, सोम नाम जो है वो चंद्र का नाम है जो दक्ष के दामाद थे। एक बार उन्होंने दक्ष के आदेश का उल्लंघन किया जिससे क्रोधित होकर दक्ष ने उन्हें श्राप दिया कि आपका जो प्रकाश है वो दिन प्रतिदिन कम हो जाएगा। जब अन्य देवताओं ने दक्ष से उनका श्राप वापस लेने के लिए कहा तो उन्होंने कहा सरस्वती के मुहाने पर समुद्र में स्नान करने से श्राप का प्रकोप रोका जा सकता है। सोम ने सरस्वती के मुहाने पर अरब सागर में स्नान करके शिव जी की आराधना की। प्रभु शिव यहाँ पे अवतरित हुए और सोम का उद्धार किया, तभी से यहाँ पे सोमनाथ महादेव मंदिर से प्रसिद्ध हुए। सामने जो देख रहे हैं ये है अरब सागर, देखिए बहुत ही खूबसूरत नजारा यहाँ का। और यहाँ पे जो मंदिर है सोमनाथ महादेव मंदिर, जिन पे आक्रमणकारियों ने 6 बार आक्रमण किया फिर भी वर्तमान में यहाँ पे 7वीं बार मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ जिसमें श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल भी जुड़ चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत सोमनाथ महादेव मंदिर अरब सागर पे स्थित गुजरात में है और प्रथम ज्योतिर्लिंग मंदिर है। यहाँ से दर्शन करें मंदिर की ध्वजा की। दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी जरूर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको ऐसे ही खूबसूरत वीडियो मिलती रहे। आप यहाँ पे आते हैं साइकिल ट्रैक पे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही खूबसूरत बनाया है साइकिल ट्रैक। सोमनाथ महादेव मंदिर के पास शाम को लेजर शो भी होता है जहाँ पे सोमनाथ मंदिर का हिस्ट्री आपको बताया जाता है। सोमनाथ महादेव मंदिर के दर्शन करने के बाद लेजर शो देखना ना भूले, यहीं पे होता है लेजर शो मंदिर के परिसर में। आज का जो व्लॉग है इनको यहीं पे एंड कर दे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू।